भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़ थी इतनी भीड़ मैंने मार्वल की शोज पे देखी है एंड अभी KGF के के टाइम पे देखी थी बहुत ज्यादा लोग थे अराउंड सेवेंटी लोग आ चुके थे जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई पंद्रह बीस मिनट बाद पूरा थिएटर कम्प्लीटली भर चुका था और लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड एक्साइटेड थे मूवी देखने के लिए तो चलिए अभी मूवी स्टार्ट करते हैं और हाँ ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है सो रिलैक्स तो मूवी के स्टोरी के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं तो मूवी स्टार्ट होती है अमिताभ बच्चन सर के आवाज के साथ जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है क्योंकि वो बता रहे होते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है क्यों है ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की उनकी एनिमेशन स्टाइल वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई फिर सीधा रणवीर कपूर का दिखाया जाता है जो कि एक डीजे होता है और सेम मंदिर वाला सीन जो कि ट्रेलर में दिखाया था और हाँ इस मूवी के ऊपर जो एलिगेशन लगी थी कि मंदिर के अंदर सीधा शूज पहन के गए तो उस दिन को भी उन्होंने क्लियर किया है उसी मंदिर में आलिया भट्ट को भी दिखाया जाता है एंड मूवी का पहला गाना स्टार्ट हो जाता है सो ये हो गया मूवी का ब्रीफ डिस्कशन अगर मैं इसके आगे कुछ भी बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा और मैं मूवी का मजा खराब नहीं करना चाहता सो so, अभी बात कर लेते हैं मूवी के प्रोज और कॉन्स के ऊपर तो so, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी की अच्छी चीजें जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई अमिताभ बच्चन सर की जो आवाज़ और जो स्टार्टिंग का एनिमेशन है वो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया वेफेस ऑन पॉइंट थे जब मैंने ट्रेलर देखा था तो पर्सनली मुझे लगा था कि वे मुझे उतने पसंद नहीं आने वाले क्योंकि बहुत ज्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट थे पर मुझे पसंद आये जो हर एक अस्त्र के साथ उन्होंने कलर दिखाया आग के जो वेफ थे वो तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए वी इस मूवी की जान है एक्टिंग सबकी अच्छी थी मेरे को कहीं पर भी नहीं लगा कि मतलब ये ओवर हो रहा है या फिर समझ रहे हो एक्टिंग भी अच्छी है मूवी एंगेजिंग भी ठीक ठाक ही है कहीं कहीं पर बोर होता है और पार्ट टू को भी अच्छे सेटअप कर लेती है तो अभी बात कर लेते हैं कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आई सबसे पहले जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीसी मीडिया और क्रिंची लगते हैं कौन हो तुम क्या हो तुम ऑनेस्टली पर ये सारी बातें निगलिजिबल है इनको हम इग्नोर कर सकते हैं सेकंड चीज जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा इरिटेड की वो इस मूवी के गाने बहुत गाने थे और लंबे गाने थे ऐसे नहीं कि चालू हो रहा है खत्म हो रहा है बहुत देर तक गाने चलते थे एंड पर्सनली कहूँ तो, तो गानों को उतनी ज्यादा जरूरत लगी नहीं एंड एक सुपर हीरो मूवी में गाने उतने इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है और थर्ड जो कॉन है वो मूवी की लेंथ मूवी को इजीली थर्ट मिनट्स का ट्रिम कर सकते थे थर्टी मिनट्स छोटी कर सकते थे कहीं कहीं पे तो मैं टाइम देख रहा था कि इंटरवल ही नहीं हो मतलब बहुत ज्यादा खिंचा गया है मूवी को एंड इजीली उसको थर्टी ट्वेंटी थर्टी मिनट्स निकाल सकते थे और देखो फोर्थ जो पॉइंट है मूवी कही कहीं कहीं पर लॉजिकल हो जाती है मतलब अगर मैं भी कुछ भी बताऊंगा तो स्पॉइल हो जाएगा तो इससे अच्छा ये सारी बातें एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में करेंगे तो अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं अगर ओवरऑल बात करो तो मूवी मेरे को पसंद आई पार्ट टू को भी अच्छे से सेटअप करती है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जरूर देखा हो अच्छी मूवी है एंड एक ट्राई तो बनता है मतलब एक बार तो देख ही सकते हो मतलब अच्छी मूवी है वो फर्स्ट पार्ट था तो वो लोग सेटअप कर रहे थे चीजों को इसलिए शायद से कहीं कभी बोर हो रहा था पर ओवरऑल अच्छी है मुझे पसंद आई पाँच सौ रुपए खर्च हुए पर मजा आया अरे मम्मी पाँच सौ नहीं पचास का पाँच सौ की मूवी टिकट से अच्छा मैं पचास टी शर्ट ना खरीद लू अरे मजाक थोड़ी करो गुस्सा क्यों कर रहे हो